लिफ्ट भाग रहे थे भाई, क्या दादू को लिफ्ट देनी चाहिए थी। ये देखिए अभी तीसरे से फिर से चौथा ही चला गया था वापस। अरे हेलो वे, ओ ब्रो कैसे हो? बढ़िया ठीक है। ओह नाइस नाइस नाइस। बैल कैसे बैठा है भाई बीच रोड में यार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट शेखर अत्रे, और आप देख रहे हैं शेखर अत्रे मोटो व्लॉग्स। तो गाइस देख सकते हैं आज निकल चुके हैं फिर से, और आज हम जाने वाले हैं सोलन सर्विस करवाने। सर्विस तो आ चुकी थी इसकी आधे एक हफ्ते पहले ही, मेरे को फ़ोन आया था एक दो हफ्ते पहले। तो आज निकलेंगे सर्विस करवाने और देखते हैं प्रॉब्लम्स बताते हैं उनको यार। जहाँ जहाँ भी गाइस ऐसे आपको जानवर दिखते हैं तो रुक जाना चाहिए, पहले थोड़ा स्लो कर लेना चाहिए ताकि आप अपने कंट्रोल में आ जाओ। और अगर आपको एकदम से सिलेंडर नहीं रोकनी भी पड़े तो कोई भी दिक्कत ना हो। दादू लिफ्ट भाग रहे थे भाई, क्या दादू को लिफ्ट देनी चाहिए थी। दादू खुद ही सोच रहे होंगे कल दे दिया मैंने हाथ। सॉरी दादू जी। ये देखिए अभी तीसरे से फिर से चौथा ही चला गया था वापस, ये बोल रहा था मैं। जैसे ही मैंने तीसरा डाला था, बट तीसरा डाला ही नहीं, वो वापस चौथा ही रह गया, या फिर मैं दूसरा डाल रहा हूँ वो न्यूट्रल हो जा रही है। ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम लगी मुझे गाइस, क्योंकि कई बार बिल्कुल एंड टू एंड चले होता है बंदा यार। आज जिस तरह हम इस रोड पे राइड करते हैं अपने को पूरा याद है रोड अच्छे से, तो हम बिल्कुल एंड टू एंड चले होते हैं, काफ़ी मतलब पॉइंट्स पर ही गियर डाउन करते हैं और बिल्कुल गियर ब्रेकिंग के सहारे चले होते हैं प्रॉपर, अगली ब्रेक और गियर बस, पिछली ब्रेक भी नहीं होती है। तो इसके लिए तो बाइक्स पूरी एकदम मस्त चाहिए होती है, इसीलिए मैं अब जा रहा हूँ आज, देखते हैं बताते हैं उनको कि ये दिक्कत आ रही है, होप सो आगे से दिक्कत ना आए। और नॉर्मल सर्विस भी करवानी है तो वो भी करवा देते हैं। बरसातों में गाइस यही काफ़ी गलत सीन रहता है हमारे यहाँ कि सरप्राइज मिल सकता है गाइस कभी भी कहीं से भी। बोलूँगा भाई ज़्यादा वीडियोस के चक्कर में मत रहो और दूसरों के चक्कर में मत भगाओ मेरे भाई। अगर आप दूसरों को देख के ऐसे भगाने की कोशिशें करोगे तो ऑब्वियसली आप थकोगे ही, ऑब्वियसली आप बाहर ही जाओगे। अभी मैं कुछ राइडर्स की इंस्टाग्राम पर वीडियोज़ देख रहा हूँ तो वो पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, वो लोग बाहर जाके ही छू जा रहे हैं सीधे। अगर मैं मानता हूँ उस किट खा के कोई गिर के जा रहा है वो अलग बात है, बट अगर आप यार सीधे ही जा रहे हो और बाहर ही ठोक दे रहे हो तो आपको क्या पता नहीं है कि आपको इतनी कंट्रोल नहीं होगी स्पीड। मतलब हाँ अननोन रोड है तो मैं मानता हूँ आप पहले ही रोक लो भाई, मैं इसीलिए बोल रहा था कि अगर मैं भी कहीं अननोन रोड पर जाता हूँ तो नॉर्मल सी बात है स्पीड कम होगी ही होगी, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं होती। कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ही एक
पता नहीं कौन सी फीलिंग में होते कि मेरे से आगे तो कोई नहीं जा सकता या मेरे से आगे जा ही नहीं सकता कोई। तो भाई वो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा ये कोई भी रूल नहीं है या कोई भी कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं इसमें, नॉर्मल है ये चीज़। अगर आपको मैं एक बात बताऊँ तो सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आता है जब आप ग्रुप में मज़े से चलाओ, और अगर आप करोगे कम्पिटिटिव भावना रखोगे, कम्पिटिटिव फीलिंग में रहोगे तो भाई कोई ना कोई तो गिरेगा ही, और नॉर्मल सी बात है गिरेगा इसलिए क्योंकि अगर आप कम्पिटिटिव रख रहे हो तो। अगर आप फ्रेंडली वे में पका रहे हो भाई, मज़े लेने के लिए पका रहे हो, तो मतलब ही नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आएगी। ओ ब्रो कैसे हो? बढ़िया ठीक है। ओह नाइस नाइस नाइस। अभी कहाँ जा रहे हो? अरे शिमला से हो। हेलो ब्रो, मैं भी सर्विस करवाने जा रहा था सोलन तक ना थोड़ा। हाँ सर्विस करवाने जा रहा था बस। और अभी सोलन शिमला जा रहे हो? फिर कहाँ? सोलन शाम को ही मिलता है तब तक। ठीक 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 है चलो ओके। फिर अभी सोलन ही जा रहे हो? ठीक है चलो। भाई का नाम क्या है? भाई का नाम राहुल। राहुल ओके चलो फिर ठीक है सौरभ मिलते हैं ना। तो राहुल भाई मिले हमें एक और जानते हैं अपने को गाइस। तो काफ़ी ज़्यादा यही बात कर रहा था मैं, अब अगर मैं इसके साथ आ जाऊँ रेस वाली फीलिंग में तो ये गलत हो जाता है भाई। मतलब आप हमेशा फ्रेंडली वे में चलाया करो बाइक्स, मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को भी, क्योंकि मैं कईयों को देखता हूँ तो वो बिल्कुल भी ठीक से नहीं चला रहे होते हैं, बिल्कुल कोई यहाँ जा रहा है कोई वहाँ जा रहा है, तो मेरे को वो काफ़ी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, काफ़ी क्या बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसे चलाएं बिल्कुल भी बाइक। हाँ आप अपनी मर्ज़ी है, सबकी अपनी अपनी बाइक्स है, बट आपको हमेशा ठीक से ही चलानी चाहिए। अब कई लोग मेरे को बोलते हैं आप भी तो रॉन्ग जाते हो भाई, अगर हम ऐसे ऐसे ये करके रॉन्ग जाके अपनी साइड में आ गए तो ये कोई रॉन्ग थोड़ी होता है। और रही बात रॉन्ग की, तो अगर आप देख के जा रहे हो बिल्कुल किसी वजह से रॉन्ग तो मैं मानता हूँ, बट अगर कोई जरूरत ही नहीं है और यहाँ पे पूरा रोड खाली पड़ा है, अब यहाँ से मेरे को यहाँ पे जानवर थे तो मैं राइट से निकल गया, बट मान लो अब खाली रोड है, आप आपके पीछे तीन बाइक्स चली है, तो कई बच्चों को मैं आजकल देखता हूँ उनके पास मान लो लोअर सीसी की बाइक है और पीछे हायर सीसी की बाइक है, तो वो लोग ऐसे सोचेंगे कि अब वो किसी को भी आगे नहीं जाने देंगे और ऐसे बीच में चलाएंगे बाइक्स। ऐसे नहीं कि यहाँ साइड में चला लें, जिसको पास लेके जाना है वो जा सके, बट नहीं। तो गाइस यही ध्यान रखना रहता है आपको यार, थोड़ा सा ध्यान रखा करें तभी मज़ेदार वाली बातें बनती है, तभी मज़ा आता है साथ में राइड्स करने का, तो वो फीलिंग रहती है। तो बाकी अब चलते हैं, निकलता हूँ मैं भी फटाफट से, भाई से भी मिल लिए तो अब चलते हैं गाइस। बैल कैसे बैठा है भाई बीच रोड में यार, खतरनाक डाउन वाली फीलिंग। तो गाइज हो चुकी है सर्विस डन और निकलते हैं अब KTM शोरूम से। तो गाइज 3400 रुपये सर्विस में लगे हैं और 4500 का हमने अगला फ्रंट टायर डाला है, तो 7900 रुपीस का हमारा खर्चा है। तो चलते हैं गाइज अब यहाँ से। ठीक है